हम साथ मिलकर किसी न किसी नई शरारत की योजना बनाते रहते। तुम दोनों कौन सी नई योजना बना रहे हो? नहीं कोई नहीं। अर्जुन? कुछ नहीं भैया। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। दुर्योधन, तुमने अपने पीछे क्या छिपा रखा है? इस बार झूठ बोलने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुमसे वो होता नहीं है। ये तो विनाशक है, गुरु द्रोण की तलवार। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इससे पहले कि उन्हें पता लगे, तुम इसे वापस रख दो। नहीं रख सकता, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इसकी आवश्यकता होगी। तुम ये क्या कह रहे हो? अर्जुन और मैं उस काल राक्षस की खोज में जा रहे हैं, जिसके बारे में गुरु द्रोण ने कहा है कि वो इसी जंगल में कहीं रहता है। और हाँ, यदि तुम्हें भय लग रहा है तो यहीं रुको और युधिष्ठिर भैया से कहानियां सुनो। वहाँ जाना मना है, उसकी तलाश में जाना आत्महत्या है। तुम समय रहते लौट भी नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है युधिष्ठिर भैया, गुरु द्रोण हर दिन उस राक्षस की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे। तुम लोगों ने मुझसे तो पूछा ही नहीं, परंतु एक राक्षस की खोपड़ी चटकाने का अपना ही आनंद है। मैं भी चलूंगा। भैया आप भी चलिए, हमें आपकी आवश्यकता है। चलो चलो, कदाचित आपकी बातों से वो राक्षस बाहर आ जाए। चलो लौट चले, गुरु द्रोण को अभी हमारी अनुपस्थिति का पता नहीं चला होगा। नहीं, हम उस राक्षस का सिर एक डंडे पर लटकाएंगे और फिर गुरु द्रोण को जगाएंगे। तुम्हारी मूर्खता और अकड़ एक दिन हम सबके प्राण ले लेगी भाई दुर्योधन। वो आपके डर और आपकी निरस्ता से तो अच्छी है, राजा मार्ग बनाते हैं उसका पालन नहीं करते, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं भैया युधिष। ठीक है, तो तुम क्या सोच रहे हो दुर्योधन? यदि हमें वो राक्षस मिलता है तो हम सब मिलकर ही उसका सामना कर सकते हैं। हाँ, सही कहा आपने। आप उस राक्षस को बाहर निकालने का साधन बनेंगे और मैं और अर्जुन उसका वध करेंगे। यदि आप चाहें तो अपनी कहानियां सुनाकर उसे सुला भी सकते हैं। अभी मेरे सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है भैया युधिष्ठिर, इसका भी समय आएगा। Both of you, that's enough. No! I'm not done with him yet. Let go of me! Maybe we should just let them settle this. Probably the only real fight we'll see tonight anyway. Bhima! Okay, okay. Get off of me. I'm done. Enough, okay?